होता क्या है, जिस खेत में हम खड़े हैं इसकी लेंथ की डिस्टेंसिंग कम है, ट्रैक्टर को पिकअप लेने में टाइम लगेगा क्योंकि हैवी ट्रैक्टर बहुत भारी भरकम ट्रैक्टर, लाइट ट्रैक्टर तो है नहीं। 4x5 ट्रैक्टर को चलने के लिए कम से कम 200 मीटर का रेंज चाहिए पिकअप आप आने के लिए, ट्रैक्टर मोशन के लिए। जब मोशन पर आ जाएगा ट्रैक्टर कभी नहीं थकेगा, SFC भी कम कर देगा, लोड हटा देगा। ठीक, तो इसमें तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ट्रैक्टर में कोई कमी लगी हाई में जो स्पीड है। नहीं नहीं, इसका आपने बहुत अच्छा सवाल करा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, जवाब मेरा सुनिए। जवाब ये है कि जब हम इस ट्रैक्टर को पुलिंग पावर पर लेंगे, जब इसके लेंथ को हम कंट्रोल कर देंगे थोड़ा डिस्टेंस होंगे, क्योंकि अगर हम इसे घुमाना ही शुरू कर दे तो इस पर इतना लोड अपने आप ही आ जाएगा, इतना टीजर इंप्लीमेंट करनी आनी खुद का 28-30 किलो मतलब क्विंटल वेट अपना हो गया, तो इसे अपने आप ही कुछ संभालना है। ये होता है जैसे 100 मीटर की दौड़ तो है नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है, इसे उठाने में टाइम लगेगा लेकिन लंबी चाल पे इसका रेट ले लेंगे। हाँ रेट भी ले लेंगे भाई। जैसा आपने इसका पूरा परफॉर्मेंस देखा, पूरी बात हुई, खुल के बात हुई, और अब मैं थोड़ा सा इसकी जो है क्या बोल लेंगे उसे भाई, इसकी कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। जी आप इसकी कास्टिंग बताओ। आप ट्रैक्टर की कास्टिंग अमूमन जो है मार्केट में वो 6-7 के आसपास होती है, हमारी 9-10 के आसपास की कास्टिंग है। अच्छा, मतलब 9 कन्फर्म है MM जिसकी जो मजबूती है वो ट्रैक्टर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा एक बात और बताओ, इसकी ऑन रोड कीमत क्या होगी? इसकी जो ऑन रोड कीमत है, जैसे आज दिसंबर 2022, हाँ यही हम सोच रहे हैं, जैसे कंपनी हमें कहती रहती है कि भाई कीमत बढ़ेगी, तो फिलहाल हमने इसकी जो कीमत रखी है वो 970 के आसपास हमने रखी है, मतलब 970,000 रुपए 30-60 DI। हाँ एक्स शोरूम ही है, कीमत तो हमेशा एक्स शोरूम ही होती है। हाँ जी, ऑन रोड कोई कीमत होती ही नहीं किसी चीज़ की। जी जी जी, भाई देख सकते हैं 4x4 जो है इंडो फार्म का 30-60 बैठक DI। हाँ और कॉन्टैक्ट नंबर डाल।